नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएलपीएस के जोहार परियोजना से संबंधित बात करने वाले हैं। जितने भी बीपीओ जोहार से रिलेटेड जो वैकेंसी भरे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जोहार प्रोजेक्ट जो चालू की गई है जेएसएलपीएस के द्वारा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जोहार जो प्रोजेक्ट है उसका फुल फॉर्म होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ये जोहार का जो है फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है बीपीओ जोहार के लिए। ये देखिए सभी बीपीओ के लिए जेएसएलपीएस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको जो है याद कर लीजिए। तो इसको हम लोग और डिटेल से जानते हैं। ये जो प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है इसको दिया गया है आपका जाके झारखंड सरकार को। इसमें जो है 2 लाख रूरल पुअर जो है गरीब परिवार को जो है इसमें जोड़ा जाएगा, और इसका जो इनकम जो है, इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस परियोजना का, 2 लाख परिवार का जो आपका जाके इनकम है उसको डबल करना है। इसका जो इनकम अभी जो ये 2017 में चालू किया गया था, तो उस टाइम जो इसका इनकम था, उसको डबल करना इस परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य जो है था। ये प्रोजेक्ट जो है हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा शुरू किया गया था। 1500 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है, और ये झारखंड स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर 2017 को जो है इसको चालू किया गया था। ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जोहार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड जोहार परियोजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को उत्पादक समूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, उत्पादक समूह। उत्पादक समूह क्या होता है? पीजी, प्रोड्यूसर ग्रुप होता है हिंदी में, उत्पादक समूह जिसको बोला जाता है। इसमें क्या है कि जोहार में जो भी काम होता है, जैसे एनआरएलएम का जो मुख्य काम है एसएचजी बना के उसका जो है गरीबी उत्थान करना, उसी तरह से जोहार का जो काम है ये एसएचजी के सदस्यों का जो है उत्पादक समूह का निर्माण करते हैं। उत्पादक समूह क्या होता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उत्पादक समूह होता है किसी एक तरह का बिजनेस या एक तरह का काम करने वाले लोग, जैसे किसी कोई एरिया है जहाँ पे धान की बहुत ज्यादा खेती होती है, तो वहां पे धान का उत्पादक समूह जो है बनाया जा सकता है। जहाँ पे पशुपालन ज्यादा होता है वहाँ पशुपालन का जो है उत्पादक समूह बनाया जाता है, एवं कंपनियों में जोड़कर, कंपनी जो होता है एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें जोड़कर जो है उन्नत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, लघु वनोपज आदि गतिविधियों, ये जो है मुख्य जो है घटक है आपका जाके जोहार का। उन्नत खेती हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, सिंचाई हो गया और लघु वनोपज हो गया। इसमें और भी छोटे छोटे कंपोनेंट आते हैं, गतिविधियों के द्वारा उनकी आय में गुणात्मक बढ़ोतरी करने के लिए काम किया जा रहा है। इस परियोजना के जरिए राज्य में 2 लाख परिवारों को आजीविका के विभिन्न संसाधनों से जोड़कर दोगुना करने का लक्ष्य है। जैसा कि मैंने बताया, 2 लाख परिवार का जो है इसमें आय दोगुना करने का जो है इसका प्रोजेक्ट का जो है मुख्य ऑब्जेक्टिव है। वर्तमान में जोहार परियोजना अंतर्गत राज्य में कुल 17 जिला में इसका काम चल रहा है, 68 ब्लॉक में इसका काम चल रहा है, और 3900 पीजी का जो है इसमें उत्पादक समूह का जो है इसमें गठन कर दिया चुका है। और जैसा कि टारगेट था इसका 2 लाख परिवार को जोड़ना, और इसमें अभी तक 2,10,000 परिवार को जो है जोड़ा जा चुका है, इससे भी अधिक। परियोजना का देखिए घटक के बारे में यहाँ पर दिया गया है सारा चीज, जैसे कि उच्च मूल कृषि, ये सब पीडीएफ में आपको अटैच कर दूंगा। इसमें जो है मेन मेन जो काम होता है, इसमें खेती से रिलेटेड काम होता है, मछली पालन से काम होता है, पशुपालन से काम होता है, लघु वनोपज इसमें काम होता है, जैसे आपका इसके तहत जो है ला हो गया, लेमन ग्रास हो गया, मोरिंगा हो गया, तुलसी हो गया इत्यादि जैसे वनोपज के उत्पादों का संग्रहण एवं उसका मूल्य संवर्धन किया जाता है, वनोपज हो गया। मार्केट लिंकेज भी इसमें जो है होता है, बाजार व्यवस्था, जैसे कि उत्पादक समूह को जो है मतलब जो भी सामान है उसको एक जगह में इकट्ठा कर उसको ज़्यादा तादाद में बेचने पर ज़्यादा जो है कमाई होगा उत्पादक समूह का, तो मार्केट लिंकेज भी इसका जो है मुख्य घटक है। उसके बाद स्किल सर्टिफिकेशन, परियोजना के तहत जो है पशु सखी, कृषक मित्र, वनोपज मित्र, अन्य कैडर को प्रशिक्षण उपरांत
एग्रीकल्चर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा कौशल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसके जो कैडर हैं उनको जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है ट्रेनिंग के उपरांत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, परियोजना द्वारा उत्पादक समूहों का आर्थिक सहयोग। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या उसको आर्थिक सहयोग दिया जाता है। परियोजना अंतर्गत दो प्रकार के आर्थिक सहायता का प्रावधान है। पहला देखिए, उत्पादक समूह के गठन के वक्त प्रत्येक उत्पादक समूहों को 44,300 रुपये की राशि दी जाती है, जिससे समूह खुद के कार्यालय की स्थापना एवं संचालन कर सके। देखिए पहला जो इसमें दिया जाता है आर्थिक सहयोग, ये 44,300 दिया जाता है, ये एक तरह से ग्रांट है और ये पैसा जो है वापस पीजी को नहीं लौटाना पड़ेगा, ये ग्रांट है। और इसमें जो है आपको जैसे परिचालन खर्च जो होता है आपका, जैसे सामान वामान खरीदना, कुछ जैसे कि तराजू खरीदना और भी कुछ पीजी के जो मुख्य साधन होते हैं वो सब खरीदना इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ ही कार्यालय संचालन के लिए भी इस पैसे का यूज किया जाता है। दूसरा जो यहाँ पर मुख्य जो आर्थिक सहायता दिया जाता है इसमें जो है कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग है। जैसे खेती के लिए यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक एक करके मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कीजिए, वहीं से आपको पीडीएफ का लिंक जो है मिलेगा। इसमें देखिए जो भी खेती से है, उसके बाद पशुपालन से है, मछली पालन से है, मुर्गी पालन से है, उसके बाद अलग अलग यहाँ पर देखिए सब में अलग अलग जो है इसमें राशि दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग देखिए इंडिकेट किया गया है सारा कि किसमें कितना राशि दिया जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीओ जोहार के लिए। ऑन डिमांडिंग आप लोग बोल रहे थे बीपीओ जोहार का क्वेश्चन लाइए क्वेश्चन लाइए, तो ये बीपीओ जोहार प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया, और अलग अलग जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जेएसएलपीएस में प्रोजेक्ट वाइज सबका अलग अलग वीडियो आएगा डेली। यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं 3-4 वीडियो देकर जो है 8 दिन के अंदर जो है सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का, जहाँ तक हो सके हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं इसको अटैच कर दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए एक एक को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। मेन जो है इसका जो घटक है उसके बारे में बता ही दिया, इसमें क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है। इसमें मेन जो है पीजी बनाकर काम होता है, उत्पादक समूह से जो है जोहार का काम होता है। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जेएसएलपीएस का बुकलेट है, इसमें देखिए अलग अलग परियोजना जैसे DDU-GKY हो गया, NRTP हो गया, उसके बाद आपका जोहार के बारे में मैं आज बता दिया, उसके बाद झारखंड बागवानी झिमड़ी प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद आपका जाके महिला सशक्तिकरण परियोजना हो गया, और भी बहुत तरह के प्रोजेक्ट जो है जो इस बुकलेट में है ये मैं एक एक करके सब आप लोग को बताऊंगा कि क्या होता है अलग अलग प्रोजेक्ट, क्या क्या काम चल रहा है जेएसएलपीएस में। आज मैंने जो है जोहार के बारे में बताया, और आने वाले वीडियो में जो है अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जोहार से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बता यहाँ पे मैं दिया हूँ आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए, और अगला जो हमारा जो ये होगा उसमें हम इसका आंसर देंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन, जोहार का फुल फॉर्म क्या है, जोहार प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, जोहार प्रोजेक्ट का मुख्य घटक क्या क्या है, जोहार प्रोजेक्ट की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, पीजी का फुल फॉर्म क्या है, जोहार प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए ये यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा लेकिन ये 6 क्वेश्चन मैं जल्दी में निकाला हूँ, तो आप लोग उससे अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार करके उसको जो है पढ़ सकते हैं। इसका मैं जो बुकलेट है वो अटैच कर दूंगा, कमेंट आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उनको ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही था, जोहार प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके समझ साझा की, आशा है कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही था, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।